हेलो गार्डनर दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली गार्डनिंग। तो आज जिस पेड़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आप सामने देख रहे हैं, वो है अनार का पेड़। अनार का पेड़ या पौधा आप जनरली ज़मीन में लगाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक कंटेनर में लगाया हुआ है। और जिस तरह जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय इसमें काफ़ी अच्छे फल भी लगे हुए हैं, तो आज हम बात करेंगे इस अनार के पौधे की टिप्स के बारे में, इसकी केयर किस तरह करें और किस तरह आप इसमें अपने पेड़ में अच्छे फल पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप अगर अपना अनार का प्लांट एक कंटेनर में लगाएं तो उसका साइज़ हमेशा ध्यान रहे, कम से कम 12 इंच से बड़ा ही आप गमला चुनें, क्योंकि इस प्लांट को सब बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, रूट इसमें काफ़ी डेवलप होती हैं। अगर आप इसमें छोटे गमले में इसको लगाएंगे तो आपको फ्लावर्स तो मिलेंगे, लेकिन वो आपके फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, वो फ्लावर्स ऐसे ही झड़ जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप इसको कंटेनर में लगाएं तो एक बड़ा कंटेनर लें, कम से कम 12 इंच का। तो दोस्तों, अब हम इसकी सॉइल के बारे में जान लेते हैं। तो जब भी आप इसकी सॉइल तैयार करें तो उसमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल लें, 20% कोकोपीट मिलाएं और 20% गोबर की खाद मिलाएं। कोकोपीट हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो अच्छा मॉइस्चर कंटेन कर लेती है, और आप इसमें मिलाएंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा और देर तक वो मॉइस्चर भी कंटेन करके रखेगा। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखने वाली होती है कि इस प्लांट को या पेड़ को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो उस आप ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी एसिडिक बनी रहे। उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो ये है, आप महीने में एक बार या दो महीने में एक बार नॉर्मल विनेगर, जो सफ़ेद विनेगर आता है, उसको आप एक कप पानी में मिलाएँ और उसके सॉइल में मिला दें, ताकि इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाए। और जिस तरह जब वो एसिडिक हो जाती है तो वो प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट्स खाद के भी एब्जॉर्ब कर पाती है, और जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट में वाटरिंग की। तो इसको नॉर्मल वाटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हमेशा गीली बनी रहे ऐसी सॉइल इसकी ना रहे, वरना इसमें फंगस भी लग सकती है इसकी जड़ों में। तो जब भी आप पानी डालने से पहले ध्यान रखें, थोड़ा सा आप मिट्टी को छू के देख सकते हैं, इस तरह से मिट्टी अगर आपके हाथ में नहीं चिपक रही है तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। और समय समय में महीने में एक बार ज़रूर आप इसकी गुड़ाई कर दें, ताकि इसकी सॉइल में जो मतलब प्रॉपर एयर पहुँच सके और उससे इस प्लांट की ग्रोथ भी और अच्छी हो पाती है। तो वाटरिंग आप इसमें नॉर्मल रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत करिए, वरना आपके प्लांट की रूट्स में फंगस भी लग सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें खाद की। तो आप इसको महीने में एक बार खाद ज़रूर दे सकते हैं। मैं जो अपने इस पेड़ में खाद देता हूँ वो ये जैविक खाद है। आपको ये जैविक खाद ईज़िली अपने पास के नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको महीने में एक बार एक मुट्ठी या दो मुट्ठी खाद इसमें आप दे सकते हैं। आप जब भी खाद दें, थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि महीने में एक बार इसमें, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विनेगर एक कप में घोल के एक चम्मच विनेगर ज़रूर अपने प्लांट में डाल दें, ताकि इसकी सॉइल भी एसिडिक बनी रहे, जिससे जितना आप इसमें खाद डालेंगे तो उतना ही इसमें और अच्छे फ्लावरिंग होती है, जितने ज़्यादा उसमें फ्लावर्स होते हैं। और जो हम इसके अब फ्लावर्स की बात करें, तो जनरली जब भी आप इसमें ध्यान देंगे तो इसमें तीन के बंच में फ्लावर्स आते हैं, जो मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। और जब बटरफ्लाइज़ या दूसरे इंसेक्ट्स इन पे या बीज पौधों के फूलों पे बैठती हैं तो उससे इसका पॉलिनेशन होता है, वही फ्लावर्स जो हैं फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी फ्लावर्स आपके हों तो ऐसी जगह रखें जहाँ ईज़िली मतलब ढके ना रहें ये पेड़, या आसपास इसमें थोड़ी जगह हो, ताकि इसमें दूसरे जो छोटे पक्षी हैं या बीज हैं वो आके इसमें बैठ सकें, जिससे आपको अपने आप इसमें पॉलिनेशन हो जाता है और आपको फ्लावर प्लांट्स में फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों, ये जो अनार का पेड़ है, इसमें कोई भी ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि जब उसी समय इसमें अनार लगेंगे। तो ये ऑल राउंड द ईयर, मतलब कभी भी जब इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर वेदर इसके अकॉर्डिंग रहता है तो इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, और उसके बाद इसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं। क्योंकि जनरली जो मेरा एक ये पौधा जो है पिछले एक साल या डेढ़ साल का पौधा हो चुका है, और काफ़ी ग्रोथ हुई थी, उसके बाद मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी। तो जब भी आप ध्यान रखें, साल में एक बार इसकी हार्ड प्रूनिंग करें, ताकि उसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा आ सकें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, और उतने ही आपके फ्लावर्स से फ्रूट्स बनने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि साल में एक बार इसकी प्रूनिंग ज़रूर करें।
तो दोस्तों एक और बात, आप ये पेड़ लगाने से पहले ध्यान रखें कि अगर आप इसको नॉर्मल सीड से अगर ग्रो करेंगे तो आपको इतनी जल्दी इसमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरली जिस पौधे को हम सीड से तैयार करते हैं उसमें 2 से 3 साल मिनिमम लग जाते हैं, उसमें मतलब फ्लावर्स आएंगे लेकिन वो फ्लावर्स आपके फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आप जब भी ये प्लांट लाएं, नर्सरी से ऐसा लाएं जो ग्राफ्टेड हो या हाइब्रिड हो, तो उसमें ही आपको जल्द से जल्द मतलब लाने के 6 महीने बाद ही हो सकता है आपको उसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए और फ्रूट्स भी मिलना शुरू हो जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने जाना इस अनार के पेड़ के बारे में कि किस तरह आप इसकी केयर कर सकते हैं और कैसी इसको सॉइल पसंद होती है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसकी बताई हुई जानकारी आपके काम आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।